हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मैम कास्ट और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में एलिमेंट्री कैनल का अगला पार्ट यानी फेरिंग्स को देखेंगे। इसमें फेरिंग्स क्या है आइए देखते हैं। बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है और जो कि एट्रियल कैविटी का अधिकतर भाग घेरे होता है। ऐसे दो भागों में इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पेरिफेरेंजियल पहला पार्ट, यह छोटा एंटीरियर पार्ट होता है जिसमें फोल्ड, सीलिया, स्टिग्मेटा, गिल स्लिट आदि नहीं होते हैं। यह भाग ब्रैंकियल सैक से दो गोल पतले समानांतर एंटीरियर व पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड के द्वारा अलग रहते हैं और दोनों बैंड्स के बीच में एक सीलेटेड पेरिफेरेंजियल ग्रुप होता है। दोनों बैंड्स व ग्रुप सीलेटेड होते हैं। एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड एक कंप्लीट रिंग के फॉर्म में होता है जबकि पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल मिड डॉर्सली डॉर्सल लेमाइना और मिडवेंट्रली एंडोस्टाइल में खुल जाता है। एंटीरियर बैंड के सामने एक गस्टेटरी ट्यूबरकल पाई जाती है। यहां पर देखिए ये फ्रंट व्यू ऑफ पेरिफेरेंजियल बैंड यानी पेरिफेरेंजियल बैंड का फ्रंट व्यू है जिसमें आपको डॉर्सल ट्यूबरकल, उसके नीचे प्रीबैंकियल रीजन, फिर उसके नीचे माउथ और माउथ के बाहर ट्यूबरकुल रिंग और ट्यूबरकुलर रिंग के अंदर लिप्स की पोजीशन दिखाई दे रही होगी और पूरी जो कवरिंग है उसको हम पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड कहते हैं और नीचे की साइड में ब्रैंकियल फोल्ड्स और जो ओपनिंग हो रही है नीचे वो एंडोस्टाइल है। ऊपर पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड के अंदर इनर साइड में पेरिफेरेंजियल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और ऊपर एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड ऊपर की साइड में डॉर्सल लेमाइना। तो आप इस डायग्राम को बनाइए अच्छे से। फ्रंट व्यू ऑफ पेरिफेरेंजियल बैंड्स। अब हम बात करते हैं ब्रैंकियल सैक की, तो यह फेरिंग्स का बड़ा पोस्टीरियर पार्ट होता है जो एट्रियल कैविटी का मोस्टली पार्ट घेरे होता है। इसे ब्रैंकियल वास्केट भी कहते हैं क्योंकि यह अनेकों स्टिग्मेटा या गिल स्लिट के द्वारा परफोरेटेड होता है। एक साइड पर स्टिग्मेटा की संख्या 200,000 होती है। स्टिग्मेटा ट्रांसवर्स कतारों में लगे होते हैं। इनकी एपिथीलियम सीलेटेड होती है। फेरिंग्स में अनेकों ब्लड वेसल्स भी होते हैं और स्टिग्मेटा एक दूसरे से इंटरसेगमेंटल बार्स के द्वारा अलग रहते हैं। ब्रैंकियल सैक में निम्न संरचनाएं होती हैं जिसमें पहली स्ट्रक्चर है डॉर्सल लेमाइना। यह एक पतला फोल्ड होता है जो ब्रैंकियल सैक की रूप पर पाया जाता है। इसे हाइपर पेरिफेरेंजियल बैंड भी कहते हैं। यह पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से स्टार्ट होकर ईसोफेगस एरिया तक जाता है।
इसमें 20 से 30 तक लैंगेट्स पाए जाते हैं जो डॉर्सल लैमिना से निकलकर ब्रैंकियल सैक की कैविटी में लटके होते हैं। लैंगेट्स सीलेटेड एपिथीलियम से कवर्ड होते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल क्या है, आइए देखते हैं। यह एक लॉन्गिट्यूडनल मिड वेंट्रल ग्रूव होता है जो ब्रैंकियल सैक के फ्लोर पर स्थित होता है। एंडोस्टाइल एक तरफ पेरिफेरेंजियल ग्रूव से लगा होता है और दूसरी तरफ यह इसोफेजियल ओपनिंग तक जाता है। एंडोस्टाइल में 5 सीलियरी ट्रैक तथा 4 म्यूकस स्टेटिंग ग्लैंडुलर सैक के ट्रैक्स होते हैं। दोनों का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। तो आइए अब हम एंडोस्टाइल का डायग्राम देखते हैं। ये हमारा एंडोस्टाइल का डायग्राम है जिसमें सीलेटेड सेल, ग्लैंडुलर सेल्स, मीडियन लॉन्गर सीलिया, ये टीएस ऑफ एंडोस्टाइल यानी एंडोस्टाइल के टीएस का डायग्राम है। अगला पार्ट है ट्यूबरकुलेई। ब्रैंकियल सैक की इनर वॉल फोल्डेड हो जाती है जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। प्रत्येक साइज में 9 या 10 फोल्ड्स होते हैं। ब्रैंकियल सैक की आउटर वॉल ट्यूबरकुलेई के द्वारा मेंटल से कनेक्टेड होती है। अब इसका अगला पार्ट है इसोफेजियल एरिया। यह ब्रैंकियल सैक का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है जो 2 सेमी सर्कुलर लिप्स का बना होता है। इस एरिया में स्टिग्मेटा फोल्ड्स एवं ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। अगला पार्ट है इसोफेगस। इसोफेगस एक बेहद छोटी मुड़ी हुई ट्यूब जैसी रचना होती है जो स्टोमक में खुलती है। इसकी कैविटी में 4 सीलरी ग्रुप्स होते हैं। आइए अब हम इसोफेगस का डायग्राम देखते हैं। ये हमारे टीएस ऑफ इसोफेगस। आप इस डायग्राम को बनाइए। तो अगला पार्ट है हमारा स्टोमक। यह इसोफेगस से चौड़ा थिन वॉल्ड होता है और आइदर साइड पर लिवर से घिरा हुआ होता है। अगला पार्ट है इंटेस्टाइन। हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन पतली यू शेप ट्यूब होती है जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब व एक असेंडिंग लिम्ब होती है। इंटेस्टाइन के लूप में लेफ्ट गोनड प्रेजेंट होती है।
अब अगला पार्ट है रेक्टम। तो रेक्टम का क्या वर्क है आइए देखते हैं, रेक्टम से और क्या क्या, रेक्टम का क्या क्या यूज होता है हम वो भी देखते हैं। यह इंटेस्टाइन का एक छोटा नैरो टर्मिनल पार्ट होता है, यह भी सीलेटेड है और एनस के द्वारा क्लोइका यह एट्रियम में खुल जाता है, यानी इसकी ओपनिंग एनस और एनस के द्वारा क्लोइका में, क्लोइका या एट्रियम में होती है। एनस में, एनस भी फोर लिप से घिरा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम रेक्टम का जो अगला पार्ट है वो है क्लोइका। तो क्लोइका का क्या वर्क है और उसका क्या फंक्शन है आइए देखते हैं। क्लोइका एट्रियल कैविटी या क्लोइका एट्रियल साइफन में खुलती है, यह एट्रियल कैविटी या क्लोइका एट्रियल साइफन में खुलती है और एट्रियल साइफन एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। यानी अगर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इसकी ओपनिंग एट्रियल साइफन में होती है और एट्रियल साइफन एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।